साला 1800 पंचर ऐसे टायर पे लगे होते हैं, समझ आई? तुम वो टायर हो जिसके लिए अब पंचर की जगह भी नहीं। और कहीं पे बाइक पे जाओ ना चेंज का वो करवाने, पंचर लगवाने हैं, तो कहते हैं सरकार इसकी ट्यूब में कोई जगह ही नहीं रही जहां से पंचर बंद किया जाए, ये फट चुकी है, नई ट्यूब लो। तुम वो ट्यूब हो, तू इधर आ हमारे पास, इधर बैठ, तुझे संविधान बताएं क्या होता है, तुझे बताते हैं आर्टिकल्स क्या होते हैं, तुझे बताते हैं इंसानियत क्या होती है। और सीमा 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 कर रहा है ना तू, तुम लोग बेल भी ना होने दो, वो उसको उठा के तू अपने घर ले जा, अपनी बीवी को जूतियां मार के निकाल, सीमा को अवैध नारायण अपने घर ले जा, समझ आई? लेकिन वो चार बच्चे पाकिस्तान के हैं और उस बाप के हैं, बिल्कुल। वो हम लेके रहेंगे, ये सुन ले। हाँ अवध नारायण जी, आप मुझे लाके वो क्लिप लाके दे दीजिए जहां पे मोमिन सर ने किसी को भी गालियां दी हो। वो सीमा को भी सीमा बोलते हैं, हम भगोनी बोलते हैं ना, और हम लप्पू बोलते हैं, वो सचिन बोलते हैं, समझे ना आप। थोड़ा सा ये उल्टा देखा करो कि किसकी क्वालिफिकेशन क्या है और किसकी क्या है और आपकी क्या है। आपसे ज्यादा लॉ हमें आता है, समझे आप। आप एक चैनल पे बैठ के वो बंद करके आप क्या बोलते हैं, कैमरा बंद करके बोलते हैं हमारे। अगर आप में हिम्मत है तो जिस तरह से हम लोग बोल रहे हैं, अभी प्रोफेसर सर आए थे कैमरा खोल के बोल रहे थे, और मोमिन सर आते हैं कैमरा खोल के बोलते हैं, आप क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि आपके गुरुजी ने सिखाया है ना कैमरा बस खोलना, कहीं कोई फोटो ले लेगा। आप क्या सोच रहे कि आपकी फोटो हमें पता नहीं है, 3600 फोटो आ जाएंगे आपकी। लेकिन आपको मैं वार्निंग दे रही हूँ, दोबारा मत बोलना किसी महिला के बारे में, किसी भी जिस चैनल पे आप बैठे हो वो भी हिंदुस्तान का चैनल है, और जिन महिलाओं के लिए आप बोल रहे हो वो भी हिंदुस्तान है। ये चीजें तो हम दुनिया के सामने लेकर आएंगे, और ये जितने भी अवध नारायण जैसे लोग हैं जो बैठ के खाली 30 40 लोग बैठ के उसको सुन रहे होते हैं, वहां ये हीरो बन रहा होता है, उसको मैं जी खुली आजादी देता हूं। यहाँ अल्लाहू टीवी पे आए, यहाँ अल्लाहू टीवी पे जरूर आए, मेरे से बात करे। अगर वो अपने आप को वकील समझता है तो अल्लाहू की तरफ से तुझे हम चैलेंज कर रहे हैं। मेरा नंबर सबके पास मौजूद है, मेरी डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर है। तुम इधर आओ और यहाँ बैठ के मर्दों की तरह बात करो। तुम बैठते भी बूढ़ी औरतों के साथ हो जिन बेचारियों को इन चीजों का पता ही नहीं है, ठीक है? सबसे पहले तो तुम्हारे ऊपर केस बनता है, तुम एक गुनाहगार के साथ, तुम एक जिसने ला तोड़ा है उसकी हेल्प कर रहे हो, उसकी हेल्प कर रहे हो। तुमसे बड़ा कौन हो सकता है, देशद्रोही या गद्दार? तुमसे बड़ा तो गद्दार ही कोई नहीं है। हिम्मत है तो सामने आओ। चार औरतों को लेके बैठ जाते हो, 50 बंदा तुम्हें देख रहा होता है, और जो दिल करता है मोमिन सर के लिए तुम बोलना शुरू कर देते हो, पाकिस्तान के लिए बोलना शुरू कर देते हो। ये मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूं, आओ यहाँ पे मर्द के बच्चे हो तो बात करो। फिर तुम्हें मैं बताता हूं, मैं वकील नहीं हूं लेकिन जर्नलिस्ट हूं, और वो जर्नलिस्ट हूं जो 2000 वकील के ऊपर हावी है, समझ आई? प्लीज गलत दूसरी शब्दों का प्रयोग मत करना कभी भी। ये जो अवध नारायण है ना, इसको मैं एक बात कहूंगा, केस का तो बेटा जो बनना है वो बनेगा, वो देखा जाएगा, वो तो देखा जाएगा ना केस का क्या बनना है। जो इतनी तुम वहां खड़े होकर तकरीरें कर रहे हो, बदमाश बने हुए हो, तुम कैमरे में आ जाओ सामने, इतनी हिम्मत है ना धजियां उड़ाने की किसी की, मोमिन मलिक की, तो तुम कैमरा ऑन करके जरा लाइव पे आ जाओ और एक बयान दे दो। दे बस सकते हो? बिल्कुल नहीं दे सकते, फूंक निकल गई, पुस। बिल्कुल इतनी हिम्मत है ना धजियां उड़ाने की किसी की, मोमिन मलिक की, तो तुम कैमरा ऑन करके जरा लाइव पे आ जाओ और एक बयान दे दो। दे बस सकते हो? बिल्कुल नहीं दे सकते, फूंक निकल गई, पुस। बस कभी पुस। नहीं दे सकते, कभी है नहीं। एपी सिंह की तरह पीछे टायर पंचर हो गया तेरा भी, ठुस। है लाइव में आ, सामने आ, क्या मोमिन मलिक तेरी मैं धजिया उड़ाऊंगा, क्या हिम्मत है? तो ये लेके रहेंगे, बस इससे ज्यादा मैं और कुछ कहना नहीं चाहता। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और आप क्या हो क्या नहीं हो हमें पता है, ठीक है। मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, मैं आपका नाम लेके आपको ज्यादा प्रसिद्धि नहीं देना चाहती हूँ, लेकिन आप क्या हो, आप हो कौन, आप मोमिन सर को बोलने वाले होते कौन हो,
आप जैसे मोमिन सर की सर के साथ में उनके जो चपरासी और वो होते हैं ना, वो फाइल पकड़ के चलते हैं, ऐसे बोलने वाले, और आप हम लोगों को बोलने वाले कौन होते हो? हमारी मर्जी, हम स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र नारियां हैं, जहां मर्जी जाके अपनी बातें रखेंगे। आप कौन होते हो? आप कानून हो, आप लॉ हो, आप जिस लॉ को कर रहे हो तो लॉ के हिसाब, आप जिस लॉ को आप पढ़ रहे हो ना, उसके हिसाब से भी आप बात नहीं कर रहे हो। आपके बात करने के तरीके से पता चल रहा है कि आप बिल्कुल जीरो हो, आपको लॉ के बारे में कुछ नहीं पता है। अगर लॉ सीखना है आपने तो धन का लॉ सीखिए, एपी सिंह जी जैसा लॉ मत सीखिए। और फुस फुस हो गई, मत का बच्चा ना वीडियो बना, ऐसे बना मोमिन मलिक, हैं मैं तुम्हारे फड़के उड़ा दूंगा और भेज अल्लाह हूँ टीवी पे, मत का बच्चा तो नहीं तो यब्बर चुप बना बंद कर, आप समझ आई? एपी सिंह जी की तरह खरीद के मत डिग्री लीजिएगा, आपको एक वार्निंग दे रही हूँ। दूसरी बात, आपने बोला है ए, मुझे मोमिन सर की वो वीडियो वो क्लिप ला के दिखा दीजिए जहाँ पे उन्होंने किसी को गालियां दी है या किसी को उकसाया है। तो आप जाके गालियां दो या उन्होंने ये उकसाया है कि आप जाके लड़ाइयां करो। मैं मर्द के औलाद आपको समझूंगी, असली मर्द के औलाद समझूंगी आपको। हम तब तक कुछ बोलेंगे भी नहीं जब तक मोमिन सर की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आता, और मोमिन सर ना आज जैसे लोगों को रिस्पांस देना पसंद भी नहीं करते। सही बात है, और जिनको क्या रिस्पांस देंगे? ये बड़ा बोलते रहते अपने चैनलों के ऊपर, जिनको पाकिस्तानी से मसला है ना तो पाकिस्तानी की नुमाइंदगी मैं करता हूँ, कैस अली मीर मेरे पास आ जाओ, बात कर लो मेरे सामने बैठ के, या अपने चैनलों पे लगे रहो सारी सारी रात, भौंकते रहो कुत्तों की तरह। मैं बैठा हूँ पाकिस्तान से, मेरे से बात करो मेरे सामने आके। और जिसको हिंदुस्तान की बहनों से मसला है तो ये मेरी सरिता बहन बैठी हुई है, अल्लाह हू पे आओ, इनके सामने बात करो अगर मर्द के बच्चे हो, नहीं तो बाजा लेके ना वो जो बजाओगे जैसे 14 अगस्त पे हमारे यहाँ गली में बच्चे पौ 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 करी जा रहे हैं, तो तुम भी करते जाओ, और हिम्मत है तो सामने आके बैठो। और अभी वही कर रहे हैं भाई, काम की बात नहीं कर रहे हैं, ये बाजा ही बजा रहे हैं, ये बाजा ही बजा रहे हैं। जैसे इनको बोला जाता है, स्क्रिप्ट लिख के दी जाती है, ये वही स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, और वो रहती है खिड़की बंद रहती है, शक्ल कभी दिखानी नहीं है। वो उन बच्चों का अधिकार है भाई, उन बच्चों को तो कोई नहीं रोक सकता है, हमारा कानून नहीं रोक सकता उन बच्चों को। यहाँ पे हमारा कानून उसके फादर, उनके फादर को बुला रहा है कि भाई आप अपने बच्चों को ले जाइए, आप अपनी तरफ की गवाही दीजिए और आप अपने बच्चों को ले जाइए। तो अवध नारायण जी, एपी सिंह जी या कोई और एनी अदर पर्सन कौन होता है यहाँ पे रोकने वाले, उनका भविष्य यहाँ पे नहीं है। और जो अवध नारायण जी आपने ये बोला है ना कि 2-4 औरतें जो पाकिस्तान के चैनल पे जाती है, आपको शोभा नहीं देता है। अगर आपको सामना करना है ना तो सामना करने के लिए मैं खड़ी हूँ, आइए मुझसे बात करें। खबरदार दोबारा से अगर ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया तो। तुम बैठो इधर आके, तुमने वो 4-5 चेले रखे हुए हैं ठीक है, जिनके दिमाग में गंद भरा हुआ पाकिस्तान के लिए, वहां तुम बैठ के ये बातें करते हो, और मोमिन मलिक सर को कभी कुछ ना कहना, समझ आई? कभी भी कुछ ना कहना, उनकी शक्ल से पता चलता है कि वो कैसे इंसान है। तेरी तुम्हारी शक्ल ऐसी है ना, तुम अंदर से नेक और अच्छे इंसान हो तो अपनी शक्ल दिखाओ, समझ आई? मर्दों की तरह सामने आके बात करो, हम बैठे हुए हैं। इतनी हिम्मत है ना धजियां उड़ाने की किसी की, मोमिन मलिक की, तो तुम कैमरा ऑन करके जरा लाइव पे आ जाओ और एक बयान दे दो। दे सकते हो? नहीं दे सकते, फूक निकल गई, फूस बस, फूस नहीं दे सकते कभी नहीं। एपी सिंह की तरह पीछे टायर पंचर हो गया तेरा भी, फूस है? लाइव में आ, सामने आ, क्या मोमिन मलिक तेरी मैं धजियां उड़ाऊंगा, क्या हिम्मत है? दो साल 1800 पंचर ऐसे टायर पे लगे होते हैं, समझ आई? तुम वो टायर हो जिसके लिए अब पंचर की जगह भी नहीं, और कहीं पे बाइक पे जाओ ना चेंज कर, वो करवाने पंचर लगवाने तो कहते हैं सरकार इसकी ट्यूब में कोई जगह ही नहीं रही जहां से पंचर बंद किया जाए, ये फट चुकी है, नई ट्यूब लो। तुम वो ट्यूब हो, फुस फुस हो गई, मत का बच्चा ना वीडियो बना, ऐसे बना मोमिन मलिक,
मैं तुम्हारे फड़के उड़ा दूंगा और भेज अल्लाह हूँ टीवी पे, मत का बच्चा तो नहीं तो यब्बड़ चुप बहना बंद कर, अब समझ आई? टायर पंचर हो गया तेरा भी, ठुस है लाइव में आ, सामने आ, क्या मोमिन मलिक तेरी मैं धजिया उड़ाऊंगा, क्या हिम्मत है तो साला 1800 पंचर ऐसे टायर पे लगे होते हैं, समझ आई? तुम वो टायर हो जिसके लिए अब पंचर की जगह भी नहीं, और कहीं पे बाइक पे जाओ ना चेंज कर, वो करवाने पंचर लगवाने तो कहते हैं सरकार इसकी ट्यूब में कोई जगह ही नहीं रही जहां से पंचर बंद किया जाए, ये फट चुकी है, नई ट्यूब लो, तुम वो ट्यूब हो, फुस फुस हो गई, मर्द का बच्चा है ना, वीडियो बना ऐसे बना, मोमिन मलिक हैं, मैं तुम्हारे फड़के उड़ा दूंगा और भेज अल्लाह हूँ टीवी पे, मर्द का बच्चा तो नहीं तो यब्बड़ चुप बहना बंद कर, आप समझ आई? और मोमिन सर को कभी कुछ ना कहना, वो नेक आदमी है, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता।